नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। और इस बीच बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां बाईपास में भीषण दुर्घटना हुई है। इस बीच अब तक की बड़ी खबर आ रही है, पटना बाईपास में भीषण दुर्घटना हुई है और ये दुर्घटना हुई है तेज रफ्तार ट्रक के कारण। तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से पटना में देखने को मिला है, जहाँ तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है और तेजी से आ रही ट्रक ने कुल 10 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 8 अन्य लोग घायल हो गए हैं, जिसे पटना पीएमसीएच अस्पताल में भेजा गया है इलाज के लिए। तो इस बीच पटना से अब तक की बड़ी खबर आ रही है, जहां बाईपास में भीषण सड़क दुर्घटना हुई है और एक तेज रफ्तार ट्रक ने 10 लोगों को कुचल दिया है। उसके बाद मौके पर सीटीएसपी पहुंचे और आला अधिकारी भी वहां पहुंच गए और स्थितियों का जायजा लेने पहुंचे, लेकिन जो 8 लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें पटना पीएमसीएच अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। साथ ही जो ट्रक था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें पटना की उसी घटना की है और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से आला अधिकारी जो है वो घटना स्थल पर पहुँच चुके हैं। ये ट्रक है और इस ट्रक से ही घटना हुई है, जो कि ट्रक बाद में जाकर के टक्कर खा गया। इस पूरे मामले पे हम सीधे जुड़ेंगे हम अपने संवाददाता विक्रांत से और जानेंगे उनसे कि क्या कुछ मामला रहा वहाँ पर। विक्रांत, पटना में बड़ी दुर्घटना हुई है, क्या कुछ मामला है पूरा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मामला बाईपास वाला क्षेत्र का है, जहाँ ट्रक ने 10 लोगों को राउंड दिया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है और 8 लोग घायल हो जाते हैं, जिसको घायल अवस्था में पीएमसीएच लाया जाता है। बिल्कुल, लेकिन विक्रांत, इस मामले को लेकर के क्या किसी बड़े अधिकारी या फिर कोई ऐसा पुलिस अधिकारी आया है जिसने पुष्टि की है कि आखिर में मामला क्या, कुछ का कुछ जानकारी है? सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है निर्भय, कि आपको बता दें कि जिस तरह से राजधानी पटना को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, उसके बाद जो ट्रक आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ट्रक आखिर राजधानी पटना में कैसे एंट्री हुए और इसके बाद वो ट्रक शायद नशे में था कि नहीं, ये तो अभी जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ट्रक जो तेज रफ्तार में गाड़ी चला रही थी, उसके बाद स्कॉर्पियो को धक्का मारती है और उसके साथ साइकिल सवार के साथ टोटल 10 लोगों को राउंड दिया जाता है, जिसमें 2 की मौत हो जाती है। हालांकि अभी सभी जो घायल है अभी पीएम सेट में उसको भर्ती कराया गया, जांच चल रही है, अभी तक यहाँ कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। निर्भय, बिल्कुल विक्रांत, क्या जो चालक था ट्रक का उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो उसके साथ जो उप चालक होता है, क्या किसी की भी गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? जहां तक चालक की बात है तो अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, ना ही कोई अधिकारी बता रहे हैं, लेकिन हाँ जो ट्रक जिस ट्रक से दुर्घटना हुई थी उस ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जी निर्भय, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत तमाम जानकारियों के लिए। तो सुना आपने, ये तस्वीरें भी आपने देख ली कि ये तस्वीरें हैं पटना के बाईपास की, जहां पे घटना हुई और इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल हो गए और उन्हें पीएमसीएच अस्पताल में भेज दिया गया है और उनके इलाज के लिए सभी को इमरजेंसी में भेजा गया है और वहां पे इनका इलाज चल रहा है। पूरी जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विक्रांत, जिन्होंने बताया कि हालांकि इस मामले में अब तक किसी भी तरीके की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि किसी भी अधिकारी से वर्तमान में कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है या किसी भी अधिकारी ने अब तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से पटना में देखने को मिला है। तो वही सवाल उठता है कि आखिर पूरे पटना को लॉकडाउन किया जा चुका है, इस बीच ये ट्रक बाईपास में कैसे आई? अगर पटना की ये ट्रक थी या फिर पटना के अंदर की ही थी, तो फिर इस तरीके की घटना, क्या जो उसका चालक था वो नशे में था, क्या उसका जो चालक था वो नशे में था, उपचालक था वो कहां था? हालांकि अब तक उनकी गिरफ्तारी तो नहीं हो पाई है, लेकिन यह घटना बहुत बड़ा सवाल करती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 11 के साथ। नमस्कार। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।